परफ्यूम है तो अंकल मेरे चेहरे को देख के यही तो बोल रहे हैं। क्या बोल रहे थे अंकल? मैं इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ परफ्यूम है तो फिर भी वो सुन नहीं रहे क्या? लो किधर इस्तेमाल नहीं करना? इंडिया पाकिस्तान जंग हो गया उसमें इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा 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 खराब नहीं होगा भाई। यहाँ पर घड़िया वगैरह भी पड़ी हुई है काफी सारी। परफ्यूम आ गया थाईलैंड का, परफ्यूम आ गया 100 रुपए में। के भाई चप्पलों के क्या रेट्स हैं और कितने में चप्पलें दे रहे हैं? वालेकुम। तो जनाब आज का ब्लॉग वापस इस बार बाजार से यूपी के बाजार से स्टार्ट करने वाले हैं हम। और आज का जो ब्लॉग है वो हमारा काफ़ी सारे सामान दिखाने का ब्लॉग है, लेकिन काफ़ी हफ्ते से जो है बारिशों की वजह से हम ये ब्लॉग नहीं बना पा रहे थे। आज हम आए हैं वापस यूपी बाज़ार के अंदर और माशाल्लाह पीछे आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा बाज़ार अभी भी लगा हुआ है। और मेरे साथ हमारा जो आज का जो ब्लॉग था वो आपने पूरा सर्च करना है। और मेरे चैनल पर आने वाले हर न्यू सब्सक्राइबर जितने भी हैं तो भाई काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हर नई वीडियो यूपी बाज़ार की आने वाली आप लोगों के साथ मैं शेयर कर सकूं। क्योंकि अभी मैंने बाज़ार में रश बढ़ गया है और मौसम थोड़ा ख़राब हो रहा है, जिसकी वजह से जो है मैं अभी जल्दी जल्दी वापस जाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं अभी घर की तरफ निकलूं। अगर रास्ते में बारिश हो गई तो मोबाइल सारा भीग जाएगा, और मोबाइल का वो भी नहीं लेकर आया जो पाउच होता है कवर होता है वो भी नहीं लेकर आया। तो इसमें मैंने अभी इतनी चीज़ें ऐड कर दी हैं, बाकी आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि भाई जान क्या क्या चीज़ें आपको यूपी बाज़ार में समझ में आती हैं, क्या क्या चीज़ें आपको यूपी बाज़ार में समझ में आती हैं आप मुझे बताएं, किस चीज़ के बारे में सर्च करें, किस चीज़ को ढूंढें ताकि आप लोगों को पता चल सके कि भाई कि मुझे पता चल सके कि भाई हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं हमारे जो व्यूवर्स हैं वो क्या चीज़ मांगना चाह रहे हैं, क्या चीज़ देखना चाह रहे हैं, ताकि हम उस चीज़ को ढूंढें और उनके लिए उसकी चीज़ के रेट भी लें और उनको बोलें कि बता सकें कि भाई संडे के अंदर ये चीज़ें भी मिल जाती हैं, ये मामलात भी हैं। जो चीज़ आप लोग बोलेंगे मैं आपके लिए कोशिश करूंगा कि वो चीज़ ढूंढ के निकालूं। ठीक है, चलते हैं वीडियो की तरफ। ब्लॉग स्टार्ट हुआ और आज का जो ब्लॉग है वो काफ़ी सारी सामानों के ऊपर है और यहाँ पर जो है काफ़ी सारी चीज़ें भी हैं और काफ़ी कुछ तब्दीली भी हुई है, लेकिन इन बारिशों की वजह से बड़ी प्रॉब्लम हुई है। बारिशों की वजह से तकरीबन 2-3 हफ्ते से बाज़ार नहीं लग रहा था। चलते हैं हम ब्लॉग की तरफ। ये भाई जान भी हमारे को इशारे करते हुए जा रहे हैं। लो थोड़ी सी, ये यहाँ पर कबाड़ का काफ़ी सारा सामान पड़ा है, ये काफ़ी सारा सामान यहाँ पर भी कबाड़ का पड़ा हुआ है। ओहो, ये बच्चों के बैग वगैरह भी पड़े हुए हैं। और ये झूला कितने का है बॉस? ये झूला कितने का है? कितने का? 3000 का ये झूला है। और यहाँ पर और भी सामान पड़ा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं बच्चों को वॉकर्स वगैरह जो होते हैं वो बड़े शौक से यानी कि वो करते हैं लेके जाते हैं। अच्छा, इन वॉकरों के क्या रेट हैं? वाकरों में क्या रेट हैं? 1000, 1200, 800 सारे वाकर्स के अलग अलग रेट हैं। तो ये देखें, बाकी ये सामान वगैरह भी पड़ा है, सिलाई मशीन वगैरह भी पड़ी है, झूला भी पड़ा है, कूलर भी पड़ा हुआ है। तो चलते हैं हम आगे की तरफ और भी, क्योंकि बाज़ार काफ़ी बड़ा है और देखते हैं क्या क्या चीज़ें और भी बाज़ार के अंदर मौजूद हैं। देखें, अगर कोई शर्टें वगैरह लेनी हो या कोई पेंटें वगैरह लेनी हो तो यहाँ से आप आगे ले सकते हैं। बस कितने की पेंट है? 250। ये 250 रुपए की दो पेंटें दे रहे हैं। अलग अलग रेट है या एक ही रेट है? एक ही रेट है सबके। हाँ, और ये शर्टें 250 की दो? ज़बरदस्त, ये तो 250 रुपए की दो पेंटें, 250 रुपए की दो शर्टें। आप देख सकते हैं साउंड सिस्टम वगैरह भी है यहाँ पर, चिलगोजे वगैरह भी पड़े हुए मिलेंगे और ये साउंड सिस्टम वगैरह भी पड़े हुए हैं यहाँ पर। पर बच्चों के कपड़े वगैरह भी हैं, चिड़ियाँ वगैरह भी हैं और उनके सारा सामान वगैरह मौजूद है। तो भाई से थोड़ा पूछते हैं कि भाई जान ये क्या हिसाब किताब कैसे दे रहे हैं? अच्छा, क्या हिसाब किताब लगाया हुआ है आपने? 250 रुपये का सूट दे रहे हैं और जैसे चिड़ियाँ वगैरह 100 रुपए की चार हैं।
तो अगर हमारे कोई सब्सक्राइबर वगैरह आपसे लेने के लिए आए तो कोई रियायत मिलेगी? इंशाल्लाह मिलेगी, ये तो वैसे हमारे होलसेल रेट ही है, लेकिन इंशाल्लाह अगर वो आएंगे तो इंशाल्लाह और गुंजाइश देंगे। अच्छा, और भी मजीद गुंजाइश दे देंगे आप? चलें, हमारा खुद अपना होलसेल का काम है। अच्छा, जो बाकी हमारा जो होलसेल का आधा माल बचा था वो बाजार में लेके आते हैं। अच्छा, हमारा होलसेल का है भाई का होलसेल का काम है, जो बच जाता है बाकी सामान वापस दे देते हैं, बाकी जो भी है सामान बहुत अच्छे मुनासिब रेट पे, और जो बेचारे वो माशाल्लाह अपनी जो है दिहाड़ी बना सके, अपना गुजारा चला सके जी, रेट पर माल भी देते हैं। अच्छा, आपका सिर्फ यहाँ पर स्टॉल यूपी बाजार पे स्टॉल लगाते हैं या फिर नहीं, बाजार के अलावा कोई आपकी दुकान वगैरह भी है? बाजार के अलावा हैदरी में दुकान है, हैदरी में दुकान भी है आपकी, भाई की हैदरी में दुकान भी है, और वो यानी कि दुकान के रेट से यहाँ पर सस्ता मिलता है? दुकान के रेट में कम से कम 25% डिस्काउंट है, माशाल्लाह ज़बरदस्त। देखिए, दुकान के रेट में और यहाँ के रेट में तकरीबन 25% का डिस्काउंट है, आप देख सकते हैं, और काफ़ी आवाम भी जमा हो गई है, काफ़ी लोग भी जमा हो गए हैं। और यानी कि एक सूट के क्या प्राइस है? एक सूट के ये पूरे 250 रुपये प्राइस है इसके, 250 रुपये प्राइस है। लेकिन यार ये कपड़ा भी है, ये कॉटन है ओरिजिनल, कॉटन है ओरिजिनल, प्रिंट भी ओरिजिनल है, उसको रुआ भी नहीं आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, रुआ नहीं आएगा। चले, कोई शिकायत होती है अभी तक कस्टमर को ये शिकायत वाला? चले भाई, कोई शिकायत हो, कोई कंप्लेन हो, यहीं पर इंस्टॉल लगता है आपका और कहीं पर नहीं लगता? दो इंस्टॉल और पीछे भी लगते हैं आपके? अच्छा जी, ज़बरदस्त। तो भाई से जो भी जिसको भी जो सामान वगैरह लेना हो तो भाई का इंस्टॉल इधर ही लगता है, आएँ और बच्चों के कपड़े वगैरह भी लेके जाएं, क्योंकि आजकल बच्चे बड़े ही होते जा रहे हैं। शुक्रिया बॉस, नवीद ब्लॉग्स। तो फिर से बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई बारिश की वजह से, देखें, और यहाँ पर LCDs वगैरह भी पड़ी हुई हैं काफ़ी सारी, तो LCDs वगैरह भी यहाँ पर मिल जाती हैं, LCD रेट के भी अच्छे रेट्स हैं, तो LCD के रेट भी मालूम कर लेते हैं कि क्या रेट चल रहे हैं। निशान, जरा LCD के रेट पूछना। ये वीडियो बना रहा है, साढ़े छः की, ये मुख्तलिफ रेट है सबके। हाँ, ऐसे वीडियो के लिए टेंशन ना लें आप, आपकी आपको प्रमोशन मिलेगी फ्री में। आते हैं लोग, आते हैं हमारे पास भाई साहब, 4,500 की है ये पड़ी है, 4,500 की ये पड़ी हुई है, और इनके इसका क्या रेट है? ये 5,500 की, और ये 6,500 की, ये 6,500 की है, बाकी अलग अलग रेट है सबके यहाँ पर। ये LCD है या LED है? ये सारी LED है, LCD नहीं है, LED है। ये देखें, ये थोड़ा एप्पल लुक में आई हुई है, एप्पल लुक में आई हुई LCD है, बाकी सारी माशाल्लाह बहुत अच्छे रेट हैं। ये यूपी बाजार में आपको सिर्फ मिलेंगे सस्ते, और कहीं पर भी नहीं मिले। यहाँ पर छोटे कालीन वगैरह भी पड़े हुए हैं, चलो एक छोटे से कालीन का रेट ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वो जो कालीन कैसे दिया है? कौन सा वाला? ये वाला, ये 2500 का है, और ये 3,500, ये 3,500 का। कुछ रियायत है, रियायत मिलेगा इसमें? इसमें कितना रियायत हो जाएगा? जैसे मिसाल के तौर पर 2500 का कितना रियायत दे दोगे? भाईजान 2500 का रेट दिया है, अगर जिन भाई को भी लेना हो वो 2,000 रुपये में इनसे ये कालीन ले सकता है। इस कालीन की वारंटी क्या है, कितने हफ्ते में ख़राब होगा ये? 3-4 साल यूज़ कर सकते हैं। 3-4 साल यूज़ कर सकता है, यानी कि 3-4 साल बाद? हाँ, क्वालिटी है ना, अच्छा क्वालिटी भी है, थोड़ा हल्का क्वालिटी भी है। ये देखो, ये काटन का बना है। अच्छा, ये खराब जरी, तो ये जरी है, ये खराब नहीं होता, ये खराब नहीं होता। इसमें माया चूना कुछ नहीं लगा है, इसमें चूना लगा है। अच्छा, यानी कि ये जल्दी खराब हो सकता है, और वो उसके क्या रेट है? 3,500 फाइनल 3 का लगा देंगे भाईजान। ये 3,500 है, और इसकी क्वालिटी अच्छी है, और ये उसके ऊपर बना हुआ है, नायलून के ऊपर बना हुआ है, और ये उसके ऊपर बना हुआ है, आप देख सकते हैं कि आपको जो भी पसंद हो यहाँ से आप ले सकते हैं। शुक्रिया बॉस। बड़े हुए हैं यहाँ पर बड़े बड़े पूरे कमरे के, 12x12 का कमरा हो या 10x12 का कमरा हो, तो अगर बिछाने के लिए यहाँ पर और भी कालीन पड़े हुए हैं। चलो इनके थोड़े से भाई से रेट लेते हैं, क्या रेट दे रहे हैं। अच्छा, ये कालीन कितने का दिया है? ये भाई जान, ये 3,000 रुपये का। 3,000 रुपये का? ये क्या 12x12 का कमरा का है या 12x12 12x16 12x15? हर यानी क्या चाहिए, जो चाहे जो साइज भी आपको चाहिए यहाँ पर आपको मिलेगा। ये यूज़ में है या नए? यूज़ में भी है, नए भी है, दो भी है।
अच्छा दोनों ही हैं, यूज में भी हैं नए भी हैं, दोनों हैं आपके पास, यूज में भी आपको मिलेगा नया भी आपको मिलेगा। अभी फिलहाल इन्होंने 1, 2, 3, 4 पीछे 6 एक वो लगा के रखे हुए हैं, और आपके पास यानी कि मजीद कालीन बड़े और भी पड़े हुए हैं। हाँ, जितने कालीन आपको चाहिए हो, जैसे कि वो सामने वाले कालीन भी पड़े हुए हैं, यहाँ पर भाई ने अपना इंस्टॉल लगाया हुआ है यहाँ पर, उनके पास अभी फिलहाल सैंपल में ये 3 सामने पड़े हैं और 6 पीछे पड़े हुए हैं। बाकी ये भाई हमारे हैं यहाँ पर सेल वगैरह करते हैं, और ये यहाँ पर इनकी लोकेशन है बिल्कुल मैदान के सामने। इनकी इंस्टॉल यहीं पर लगाते हो या कहीं और जाते हो? यहीं पर इनका इंस्टॉल लगता है। जिस भाई को भी चाहिए हो वो यहाँ पर आएँ, और भाई मज़ीद जो उनसे हो सकता है 150, क्योंकि खान भाई आपको पता है कि 150 पे भी कारोबार अपना चला लेते हैं। हमारे को बस कारोबार चलना चाहिए, हमारे को पैसों से मतलब नहीं है। 100 रुपये भी हमें मिलेगा खान भाई दे देगा, उसका खान भाई का कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है ना। बाकी यहाँ पर कालीन वगैरह भी पड़े हुए, कालीन भी आप देख सकते हैं। अभी तो उनके पास कम माल है, अगले हफ्ते और माल आएगा आपके पास। हाँ हाँ, अच्छा बारिश की वजह से भी ज़्यादा माल नहीं लाए। सही सही सही, तो भाई कह रहे हैं बारिश की वजह से भी ज़्यादा माल नहीं, क्योंकि कहते हैं कि हमारे पास ये पूरा पीछे जो है ना थान यूँ लटके हुए होते हैं, और बारिश की वजह से हम माल नहीं ला सके। चलो कोई मसला नहीं है, अगले इतवार अगर बारिश ना हुई तो माल आएगा आपके पास भाई। जितना भी माल चाहिए हो यहाँ से मिल जाएगा, भाई यहाँ पर मौजूद होते हैं, बैठे हुए होते हैं, आपको जितना माल चाहिए भाई से आके ले सकते हैं। क्योंकि बारिश भी होना शुरू हो गई है, तो मैंने आपसे जैसे कि बताया था कि मेरे पास वाटरप्रूफ मोबाइल तो है नहीं जो मैं जाऊँ मैं, लेकिन आज भी मैंने हिम्मत करके कोशिश करके बाज़ार की तरफ आ तो गया हूँ, लेकिन बाज़ार पर आने के बाद जो है मैंने आज देखा कि बारिश फिर शुरू हो गई है, बाज़ार के काफ़ी लोगों ने देखो कपड़े वगैरह रखना शुरू कर दिए इस तरह करके, तो इसी परेशानी की वजह से हम लोग मैं बड़ी टेंशन में आ जाता हूँ। तो चलते हैं आगे की तरफ और देखें क्या क्या है। तो जनाब यहाँ पर कबाड़ के जो है गिलास वगैरह भी पड़े हुए हैं, और केबल्स वगैरह भी पड़ी हुई हैं, और ये छोटे मोटे खिलौने वगैरह भी पड़े हुए हैं। तो ये भी सारा स्क्रैप का माल होता है, स्क्रैप से यानी कि हो जाता है, यहाँ पर सस्ता होके बिकता है। ये क्या चीज़ें सर, ये देखें ये कार्ड्स वगैरह होते हैं, रख दो इसको। तो जैसे कि ओहो भालू, ओह भालू। अच्छा कितने का ये भालू? 400 रुपये का ये भालू है। अच्छा रियायत के साथ बता रहे हो या फिर वही जो दुकान वाले प्राइस है वो बता रहे हो? 350 रुपये का हो जाएगा, यानी कि अगर कोई कस्टमर आता है तो आप उसको डिस्काउंट देते हैं भाईजान? अगर कोई कस्टमर आ जाए तो डिस्काउंट भी मिलता है। यहाँ पर काफ़ी सारे टॉयज़ वगैरह पड़े हैं और काफ़ी सारे भालू वगैरह पड़े हुए हैं। ये जो भालू है ना, हाँ अगर वैसे भी आप किसी बड़ी ब्रांडेड शॉप से जाके लेते हो ना, 1000-1500 से कम की नहीं मिलेगी। अच्छा 350 रुपये यार, और क्या चाहिए? जबरदस्त, किसी को गिफ्ट करना हो, किसी को देना हो तो इससे यहाँ से उठा के देंगे कि अल्लाह के वली, ऐसा ना करो किसी को गिफ्ट कर दो मगर बताओ नहीं। हाँ बताओ नहीं है, लेकिन अभी यूपी मोड बाजार यहाँ से गिफ्ट कर दो, बताओ नहीं किसी को। सुनो भाई सिशांत साहब की बातें सुनो भाई मेरे साथ, देखते हैं क्या क्या और सामान पड़ा है। ओहो कैप्स वगैरह देखिए, जैसे कि मैंने आज आप देख सकते हैं मैंने भी आज कैप पहनी हुई है, और मेरे को कैपें भी नज़र आ गई हैं, तो वगैरह भी हैं यहाँ पर, ये सारी कैप्स वगैरह यहाँ पर पड़ी हुई हैं, ये देखें। तो बस कैप के अलग अलग रेट हैं या एक ही रेट हैं? 250 रुपये कैप का रेट है और 200 रुपये फाइनल है, यानी कि डिस्काउंट मिलता है। सही है, बारिशों की वजह से या वैसे ही डिस्काउंट मिल रहा है? वैसे ही डिस्काउंट है, चले बारिशों की वजह से भी और वैसे भी डिस्काउंट मिल रहा है। चलो चलते हैं, सामान मौजूद है। तो बैग्स वगैरह भी यहाँ पर मौजूद हैं, अगर किसी को बैग्स वगैरह चाहिए हो तो यहाँ से आके वो बैग वगैरह भी ले सकता है। चलते हैं हम बैगों की तरफ और बैग देखते हैं, बैग क्या रेट है बैगों के। जनाब यहाँ पर बैग्स वगैरह भी पड़े हुए हैं ऊपर की तरफ, ये बैग्स वगैरह सारे पड़े हुए हैं, ये सारे बैग्स वगैरह पड़े हुए हैं। और आ जाए ऐसे कोई मसला नहीं, आ जाए। बैग्स वगैरह भी पड़े हुए हैं यहाँ पर, और बैग्स के भी अलग अलग रेट होंगे, लाजिम है। एक दफ़ा हम लोगों ने बैग यहाँ से लेने आए थे तो एक ही रेट बताया था, तो उसी पे फिर वो कायम रहते। अच्छा बैग कितने का ये वाला? 2500 का फाइनल हो जाएंगे इसके कुछ? फाइनली 2500 रुपये का ये बैग है। अलग अलग रेट है, सबके अलग अलग रेट हैं, सबके अलग अलग रेट हैं।
जो आपको पसंद है। यहाँ पर बैग्स भी बहुत अच्छे अच्छे पड़े हुए हैं। बहुत बड़ा है बाज़ार, बहुत बड़ा है और बहुत आगे तक है। तो अभी ये बारिशों की वजह से काफ़ी लोग जो हैं अभी अपना यानी कि सामान समेटने के चक्करों में लगे हुए हैं। बाकी अंडर गारमेंट्स वगैरह भी यहाँ पर मौजूद है और चप्पलें वगैरह भी यहाँ पर मौजूद हैं। और ये तो चप्पल चाइना की चप्पल है, अच्छी चप्पल है यार। ईशान देख, लगती है, चेक कर। हाँ लगती है भाई, लगती है, चप्पल भी लगती है। हाँ अच्छा, सबसे बेहतरीन बात एक तो यहाँ पर आपको टोटल टूल्स वगैरह भी मिल जाएंगे, पेचकस, पाने, वाल, ये वो सारा सामान आपको मिल जाएगा। टी वगैरह भी मिल जाएगी, छोटा वाला पेचकस भी मिल जाएगा, वो वाला पेचकस भी पड़ा हुआ है, यानी कि सारा सामान आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो हम एक सिंपली एक दो चीज़ों के रेट पूछेंगे कि भाई कोई दो चीज़ों के रेट बता दें हमें, ताकि हमारे सब्सक्राइबरों को पता चल जाए कि जो, लेकिन असल में लोग कमेंट्स करते हैं ना, तो कमेंट्स करने में मेरे को आसानी होती है कि भाई किस कस्टमर ने, किस सब्सक्राइबर ने क्या बोला था और किस सब्सक्राइबर को क्या चीज़ चाहिए थी। कमेंट्स आते हैं ना, तो कमेंट्स में मेरे को पता चल जाता है कि भाई ये चीज़ें मैं फिर बाज़ार में जाके ढूंढूं, देखूं और बताऊं मैं आपको। तो अभी फिर क्या करें, फिर एक सिंपल किसी भी चीज़ का एक रेट पूछ लेते हैं। अच्छा भैया, पेचकस कितने का है? 150 रुपये का फाइनल, 150 रुपये का है। कोई कमी पेशी है? बाकी 100 वाले आगे रखे हुए, 100 वाले। तो ये पूरा यानी कि सेट वगैरह भी इनका, आपके पानों वगैरह का सेट पूरा कंप्लीट आपके पास मिल जाएगा, टीज वगैरह सारा सामान, यानी कि बाइक्स वगैरह के लिए और अगर मैकेनिक वगैरह कोई सामान वगैरह लेते हैं तो यहाँ पर पूरा सामान आप देख सकते हैं, यहाँ पर मौजूद है सर टोटल सामान। तो जो भी आपको लेना हो आके ले लें आप। बहुत फिर से बोलना, कितने का है? 600। ये भाई ने पूछा 600। रियायत देंगे भाई को? हाँ रियायत भी मिल जाएगी, बस रियायत भी मिल जाएगी आपको। हाँ ठीक है चलें। तो बस ये बाइक वगैरह का सामान वगैरह अगर आपने लेना हो इस पर, क्या ये टूल्स वगैरह, तो यहाँ पर सारे टूल्स वगैरह पड़े होंगे, वहाँ पर जब वगैरह भी पड़े हुए हैं। तो चलते, तो जनाब यहाँ पर इस्त्रियाँ वगैरह भी हैं, जैसे कि आपने मेरे पिछले व्लॉग में भी देखा था कि इस्त्रियाँ, अब आजकल इस्त्रियों के नए रेट क्या चल रहे हैं वो मुझे नहीं पता, पहले वाले रेट तो मुझे पता है, वो मेरे पिछले व्लॉग में हैं। चलो भाई से पूछते हैं कि ये इस्त्री की कितनी। 1600 रुपये की, रेट बढ़ गए क्या? अच्छा भाईजान, अभी हर चीज़ के रेट बढ़े, पेट्रोल भी के रेट बढ़े, तो 1600 रुपये की अब इस्त्री भी ये दे रहे हैं। तो यहाँ पर हलीम वगैरह ये सारा सामान आप राइट देख सकते हैं, बारिश होने के बावजूद भी इतना रश है यहाँ पर, हद से ज़्यादा। अंकल क्या है? आप क्या समझ रहे हैं ये? अरे अभी कस्टमर एक थोड़ी देर पहले यहाँ से गुजरा है, तो ज़रा अंकल से पूछते हैं कि अंकल अभी जो कस्टमर गुजरा है वो आपसे क्या पूछ रहा था? ये क्या है? मैंने बोला बैटरी है, लग के चले गया। और जब मैंने देखा, मैंने कहा अंकल ये तो परफ्यूम है, तो अंकल मेरे चेहरे को देख के यही तो बोल रहे हैं। क्या बोल रहे थे अंकल? मैं इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ परफ्यूम है, तो फिर भी वो सुन नहीं रहे क्या? लो अंकल इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रहे परफ्यूम, मैं बोलता ये क्या है? ले जाओ पॉकेट परफ्यूम, यहाँ पर पॉकेट परफ्यूम आ गया, थाईलैंड का परफ्यूम आ गया, 100 रुपये में, ये 100 रुपये में पॉकेट परफ्यूम ले जाओ भाई, थाईलैंड का परफ्यूम ले जाओ 100 रुपये में। अंकल ये परफ्यूम है, अरे इसकी पैकिंग ऐसी लग रही है जैसे कि क्या कहते हैं कि बैटरी है भजन। ये मेरे अभी सामने खड़े खड़े दो कस्टमर आ गए हैं, दो कस्टमर बोल रहे हैं ऐसी बैटरी मिलेगी भजन, ये बैटरी नहीं है, ये परफ्यूम है, बैटरी है सर। दो दे दो भैया, दो के साथ एक फ्री चाहिए। नहीं ये वाली बैटरी नहीं है ना, जरा गौर से देखें ना कौन सी बैटरी है, चेक तो करें आप। इंटरनेशनल बैटरी लग रही है। हाँ बैटरी का है भाई, लगते तो है नहीं। ये क्या है फिर आशे? ये देखें क्या है आशे? ये एक्सप्रे, हाँ। तो भाई बैटरी समझ रहे हैं ना, भजन इसकी पैकिंग ऐसी है ना कि बंदा हर को यही समझ रहा है कि ये बैटरी है। अच्छा इसमें एक खोल के लगा दें, एक खोल के हाथ में रखें हाँ ऐसे, ताकि बंदों को दिखाएं, सही है ना, काफ़ी लोगों को चीज़ है। तो भाईजान अभी एक और चीज़ मुझे नज़र आई है, ज़रा उसकी तरफ चलते हैं और वो देखते हैं। देखें यहाँ पर ये किस तरह का माहौल है और किस तरह की, ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त, ये दो
सैलून कुछ कुर्सियाँ भी पड़ी हुई हैं यहाँ पर, अब ये बिकने के लिए आई हैं या बिक गई हैं? बिक गई हैं। अच्छा, कितने के लिए हैं? मैंने 25,000 की। 25,000 की दोनों। और वैसे इसके क्या प्राइस हैं? तकरीबन एक चेयर मिल जाती है, एक चेयर 20,000 से 25,000 रुपए की न्यू, और ये तो वैसे भी न्यू लग रही हैं। अच्छा, ये रिपेयर हुई हैं लेकिन लग नहीं रही हैं कि ये पुरानी है। अच्छा, 20,000 से 25,000 की है कि आपने 25,000 की दोनों ली हैं? ज़बरदस्त बॉस, ये देखें आप कहते हैं यूपी बाज़ार महंगा है, महंगा है, महंगा है। काफ़ी लोग बीच में कमेंट्स करके कहते हैं कि यूपी बाज़ार महंगा है, आप लोगों ने वीडियोज़ वगैरह बना बना के। ये भाई को देखें, 50,000 की चीज़ 25,000 में लेके जा रहे हैं 50% डिस्काउंट के साथ। 50% डिस्काउंट ही मिला है ना बॉस, देख लें आप, ये देख सकते हैं। तो मेरे को जैसी नज़र आया तो मैंने बोला, मैंने देखिए सैलून का आजकल, क्योंकि मेरे को कमेंट्स में भी आया था कि सैलून की कुर्सियाँ वगैरह मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं। और भी हैं यहाँ पर, पड़ी भी होंगी? अच्छा, ये सामने वहाँ पर पड़ी भी हैं वहाँ पर। तो कुछ नई चीज़ें नज़र आ गई हैं, जैसे कि आईफोन्स वगैरह के चार्जर्स, सैमसंग के चार्जर्स, वीवो के चार्जर्स वगैरह यहाँ पर ये चेक करा के देते हैं। और यहाँ पर ये जो PTCL की डिवाइसें भी पड़ी हैं, सारी ये डिवाइसें वगैरह भी पड़ी हुई हैं यहाँ पर, उस वहाँ पर वो सारे चार्जर वगैरह भी, उसके लैपटॉप के चार्जर्स वगैरह भी पड़े हुए हैं, बल्ब वगैरह भी यहाँ पर मौजूद हैं। बाकी यहाँ पर ये स्विचेस वगैरह घरों के ख़राब हो जाते हैं, यहाँ पर नए भी हैं, नए जैसे भी हैं और कुछ पुराने भी हैं। तो जिनको चाहिए हो वो यहाँ से आकर आराम से इजीली परचेज़ कर सकता है, और रेट भी मुनासिब ही होंगे। चलो पूछते हैं किसी एक चीज़ का रेट पूछते हैं। ऐसे ये एक प्लेट कितने की है? हाँ, कौन है सर, कितने की है प्लेट? कौन सा वाला? ये वाला, ये 150 रुपये का। और वो ये जैसे सिंगल बटन, वो 100 रुपये का। और ये तीन बटन जैसे ये पड़े हुए हैं, आप 150 रुपये के, यानी कि यही रेट है। और ये पूरी 6 बटनों का, ये 1400 रुपये का, ये 250 रुपये का। वो कितने का? 1400 रुपये का, 200 रुपये, 250 रुपये। अच्छा, 200 रुपये और 250 रुपये। भाई जान, ये तो बहुत सस्ते रेट में दे रहे हैं। ये यहीं से अगर दुकान से जाके लेंगे, 4 बटन, एक तकरीबन 100 रुपये का एक बटन है, अगर हिसाब लगा ले 6 बटन हो गए, इसमें 6 बटनों के तकरीबन 600 रुपये तो यही हो गए। और यहाँ पर मिल रहा है 200 रुपये और 250 रुपये के आपको ये सेटअप मिल रहा है पूरा। और यहाँ पर ये डिवाइस वगैरह भी पड़ी है, केबल्स वगैरह भी पड़े हैं, ये देखें। इस तरह ये सामान आपको यूपी बाज़ार में मिल जाएगा। यूपी बाज़ार में लोग कह रहे हैं महंगा हो गया, महंगा हो गया, महंगा नहीं है भाई, अभी भी सस्ता ही है। आप आएँ तो सही बाज़ार की तरफ, बाज़ार को देखें तो सही। और ये बाज़ार जो आजकल बाज़ारों में इतना रश लगा हुआ है, ये भी हम लोग ब्लॉग्स वगैरह में दिखाकर लोगों को बताते हैं कि भाई चीज़ें सस्ती मिलती हैं यहाँ पर। तो चलते हैं हम आगे वीडियो की तरफ। यहाँ पर ये देखें, बाकी कुछ सामान वगैरह जैसे कि स्पीकर वगैरह भी पड़े हुए हैं, वॉल स्पीकर भी पड़े हुए हैं, वॉश बेसिन भी पड़ा हुआ है, चूल्हा भी पड़ा हुआ है, और बच्चों का वो जो सामान है वो भी पड़ा हुआ है। और घरेलू दस्तियाब जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल छानी, घरेलू चीज़ें जैसे होती हैं, जैसे छानी हो गई, छुरी हो गई, चम्मच हो गया, और बेलना हो गया, चक्की हो गई, बाकी प्लास्टिक का सामान वहाँ पर पड़ा हुआ है, और ये छुरियाँ वगैरह भी हो गई हैं, ये भी मुनासिब रेट में ही मिलती होंगी। चलो एक आध चीज़ के रेट पूछते हैं कि भाई जान, ये छानी कितने की दे रहे हैं, एक मिसाल के तौर पे। बॉस, ये छानी कितने की दे रहे हैं? अच्छा, ये छानी कितने की दे रहे हैं? 100 रुपये की है। 100 रुपये की छानी जो दुकान से 250 रुपये की मिलती है। बाकी ये सारा सामान यहाँ पर पड़ा हुआ है, बाकी चीज़ मुनासिब रेट में ही है ना, सारी चीज़ें ज़्यादा रेट तो नहीं है ना, बिल्कुल मुनासिब रेट पर है, कोई ज़्यादा नहीं है। तो भाई का भी, क्योंकि असल में काम का टाइम है तो हम लोग लेट आए, तो जो है ना वो इंटरव्यू हमारे को सही तरीके से दे नहीं रहे। चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं क्या क्या सामान पड़ा है। तो आजकल जो है लाइट का बहुत ज़्यादा इशू हो गया है, और लाइट की वजह से जो है लोग काफ़ी सारे परेशान हैं। तो मैंने लास्ट टाइम भी इसी पंखे के ऊपर एक वीडियो बनानी थी लेकिन बना नहीं पाया, लेकिन आज फिर मेरे सामने आ गए। काफ़ी टाइम से देख रहे थे तो ब्लॉग वगैरह नहीं था, तो अभी हम ब्लॉग शुरू कर रहे हैं। तो बंदे से पूछते हैं कि इनके क्या रेट हैं और ये कितने तक का पूरा सेटअप हमारे को मिल जाएगा। बॉस, कितने का ये पंखा? हाँ, स्टैंड के साथ 350 का है। स्टैंड के साथ? अच्छा, इसकी वारंटी होती है? नहीं, 12 वोल्ट। हाँ, 12 वोल्ट की कोई भी नहीं, 12 वोल्ट की कोई नहीं था। ये बैटरी बड़ी चलता है उस पर, अपना बिजली पर नहीं चलेगा ना ये? तो इसके लिए कितने एम्पेयर की बैटरी होनी चाहिए? बाइक वाली पे भी चल जाएगा? हाँ, भैया। अच्छा, और इसकी हवा कैसी है? हवा चेक करा सकते हैं मुझे?
तो अभी एक पंखे की हम हवा चेक कर रहे हैं कि अगर हम ये चीज़ घर पर लगाते हैं तो देखते हैं। ज़बरदस्त, यानी कि बैटरी के ऊपर आराम से अगर लाइट चली भी जाए तो बच्चे के ऊपर रख दो, सो जाएगा सुकून से। हाँ माशाल्लाह हवा तो यहाँ तक आ रही है, लेकिन ऊपर वाली हवा के अलावा इसकी हवा भी आगे करे तो आपको लग सकता है। ये देखें बाल हिल रहे हैं तो पता लग रहा है कि हवा आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल ज़बरदस्त, यानी कि अगर इसमें बड़ी बैटरी पर भी चलाएं कोई इशू नहीं है। हाँ बड़ी बैटरी पर भी चलाएं, बाइक की बैटरी पर भी चलाएं, लेकिन इसको चार्ज का मसला होता है, बैटरी को चार्ज करने का मसला होता है। अच्छा बैटरी और इसके साथ टोटल सेटअप कितने तक का मिल जाएगा? नहीं आपके पास बैटरी वगैरह नहीं है। वैसे बैटरी कितने तक की मिल जाती है 12 वोल्ट की? हाँ छोटी वाली जो ब्लैक कलर की जो होती है बैटरी डीसी वाली, 1200-1300 रुपए की मिल जाती है उसको। यानी कि वो कितने घंटे चला लेगी इसको? 3 घंटे चला लेगी। 3 घंटे बाद उसको फिर चार्ज पर लगा दो। और उसको कितने घंटे चार्ज करना होता है? 1 घंटा चार्ज करना होता है। 1 घंटा आप उसको चार्ज करो और 3 घंटे आराम से ये पंखा चलाओ। बिजली जाने के बाद आपको टेंशन ही नहीं है, क्योंकि आजकल जो है बिजली का बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है, बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है कि बिजली के एक तो रेट बढ़ गए और लोग जो हैं क्या कहते हैं घर के अंदर पंखे बंद करके और ये कर देते हैं। उसका हल यही है, आप बैटरी लें, 1200 रुपये की बैटरी लें, 300 रुपये का पंखा लें, 1500 रुपये में आपका पूरा सेटअप तैयार हो जाएगा। ऐसी है बॉस, 1500 रुपये में पूरा सेटअप तैयार हो जाएगा आपका, 1600-1700 रुपये में चार्जर के साथ। बस और क्या चाहिए भाईजान, हवा के लिए बच्चे वगैरह छोटे छोटे होते हैं जिनको गर्मी वगैरह लग रही होती है, आपको टेंशन ही नहीं है। ठीक है बहुत शुक्रिया। चल तो जनाब ये पूरा मैदान भरा हुआ होता था, ये पूरा मैदान भरा हुआ होता था और अभी तो काफ़ी सारा खाली लग रहा है और पूरा इलाका ये भरा हुआ होता था, लेकिन बारिशों की वजह से ये जो है अभी आधा मैदान है और आधा खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पर भी आपको सारा कबाड़ का सस्ता सामान मिल जाएगा। तो जनाब यहाँ पर वॉशिंग मशीन वगैरह भी मौजूद हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वॉशिंग मशीनें भी पड़ी हुई हैं, यूज़ेबल होती हैं लेकिन इनकी वारंटी नहीं होती, लेकिन अच्छी होती हैं। 6500 भाई ने बताया, 6500 की। ये भाई चेक कर रहे हैं, 6500 फाइनल है, 6000 फाइनल है। यानी कि आप अगर आएंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, ये नहीं कि नहीं मिलेगा डिस्काउंट। तो ये 6000 और इनके अलग अलग रेट हैं, ये 5.5 की, ये 5.5 और ये वाली ये भी 5.5 की। इसमें डिस्काउंट है, 5000 की लगा, भाई कह रहे हैं इसमें 5000 की लगा देंगे, इसमें भी डिस्काउंट है। ठीक है ना, जिसको चाहिए हो ये बाज़ार के इस तरफ आते के साथ ही लास्ट में ये फर्नीचर वाली गली से भी निकल कर आकर यहाँ पर भाई बैठे हुए, यहीं पे टिया लगाते ना, और तो कहीं नहीं जाते ना, बिल्कुल यही कोना है भाई का और यहीं पर वो टिया लगाते। जिनको वॉशिंग मशीन पंखे वगैरह भी इनके पास पड़े हुए हैं, पंखे वगैरह भी इनसे पूछ लेते हैं कौन क्या क्या रेट है। इसका क्या रेट है पंखे का? 4000 रुपये ये पंखा आपको 4000 का मिलेगा। और अच्छा 2500 रुपये का प्योर कॉपर में, डिस्काउंट है? हाँ डिस्काउंट भी है बॉस, डिस्काउंट भी है, ऐसी बात नहीं है डिस्काउंट नहीं। और वो छोटा वाला पंखा कितने का है? ये 2500 रुपये का है, इसमें भी डिस्काउंट है भाई जान, आपको डिस्काउंट मिलेगा। भाई ने बोल दिया डिस्काउंट मैं दूंगा आपको, टेंशन नहीं लें आप मेरी वीडियो देखें और आएँ, भाई से वापता करें, पंखा वगैरह चाहिए कुछ भी चाहिए आपको हर चीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। तो जनाब फाइनली हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई है और आज पूरे बाज़ार में इतना रश लगा हुआ है क्योंकि एक तो बारिश का भी सीज़न हुआ हुआ है, बारिश हो जाएगी तो लाजिम लोग इधर उधर धड़बड़ भागते फिरेंगे। और अभी हमने पूरी वीडियो बना ली है, एंड हो गया वीडियो का, अभी चल रहे हम घर की तरफ। और हमारा जो आज का जो ब्लॉग था वो आपने पूरा सर्च करना है, और हमें रश बढ़ गया है और मौसम थोड़ा ख़राब हो रहा है, जिसकी वजह से जो है मैं अभी जल्दी वापस जाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अभी घर की तरफ निकलूँ। अगर रास्ते में बारिश हो गई तो मोबाइल सारा भीग जाएगा, और मैं मोबाइल का वो भी नहीं लेकर आया जो पाउच होता है, कवर होता है, वो भी नहीं लेकर आया। तो इसमें मैंने अभी इतनी चीज़ें ऐड कर दी हैं, बाकी आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि भाई जान क्या क्या चीज़ें आपको यूपी बाज़ार में समझ में आती हैं, क्या क्या चीज़ें आपको यूपी बाज़ार में समझ में आती हैं, आप मुझे बताएं किस चीज़ के बारे में सर्च करें, किस चीज़ को ढूंढें, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि भाई कि मुझे पता चल सके कि भाई हमारे जो
सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे जो व्यूवर्स हैं, वो क्या चीज़ मांगना चाह रहे हैं, क्या चीज़ देखना चाह रहे हैं, ताकि हम उस चीज़ को ढूंढें और उनके लिए उसकी चीज़ के रेट भी लें और उनको बोलें कि बता सकें कि भाई संडे के अंदर ये चीज़ें भी मिल जाती हैं, ये मामलात भी हैं। जो चीज़ आप लोग बोलेंगे मैं आपके लिए कोशिश करूँगा कि वो चीज़ ढूंढ के निकालूँ। ठीक है, चलते हैं वीडियो की एंड की तरफ। अल्लाह हाफिज़।